अगर आपका मासिक चक्र कम दिनों का है तो पीरियड के दौरान भी हो सकता है कि आप अगर संबंध बनाए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या पीरियड के दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं तो क्या प्रेग्नेंट होने के चांसेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन में इस नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेरीज होंगी, तो आपको आपकी क्वेरीज के जरूर जवाब मिलेंगे। और अगर आप फास्ट रिप्लाई चाहती हैं तो इसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, जिसकी आईडी आपको वीडियो के आगे फ्लैश हो रही है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि पीरियड के दौरान अगर आप संबंध बनाती हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, तो ये सच नहीं है। पीरियड के दौरान संबंध बनाने पर भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, लेकिन कुछ खास कंडीशंस हो सकती हैं जब आप इस दौरान संबंध बनाएं तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों बात कर ली जाए ओवुलेशन की, जो कि महिला के सबसे बेस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, जिसमें महिला अगर संबंध बनाती हैं तो चांसेस 90% तक होते हैं महिला के गर्भ धारण करने के। अब दोस्तों क्या होता है कि जिन महिलाओं का मासिक चक्र बिल्कुल सटीक होता है, यानी कि 28 दिन का होता है या फिर 30 दिन का होता है। मासिक चक्र की गणना कैसे करते हैं? मासिक चक्र आपकी महावारी के पहले दिन से लेके आपके नेक्स्ट मंथ महावारी आने के दिन तक की जाती है। अगर आपका मासिक चक्र 30 दिन का है या फिर 28 दिन का है तो ये एक नियमित मासिक चक्र होता है। और महावारी जिस दिन आपको स्टार्ट होती है, आपको पीरियड स्टार्ट होते हैं, उससे ठीक 14वें दिन पहले में आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका मासिक चक्र दोस्तों 30 दिन का है, 28 दिन का है, तो आपके पीरियड्स के दौरान संबंध बनाने पे इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि ना के बराबर होते हैं। लेकिन अगर आपका मासिक चक्र 25 दिन का है या फिर 20 दिन का है, 18 दिन का है, आपको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, तो आपका ओवुलेशन भी जल्दी होगा, क्योंकि दोस्तों ओवुलेशन जो है आपके पीरियड से ठीक 14 दिन पहले का समय होता है। मान लीजिए कि आपके पीरियड्स जल्दी आते हैं, आपका मासिक चक्र 21 दिन का है, यानी कि 21 दिन के अंतराल के बाद फिर से आपको पीरियड्स आ जाते हैं, तो ऐसे में आपका ओवुलेशन भी जल्दी हो जाता है। तो 21 दिन से ठीक 14 दिन पहले यानी कि 7 तारीख को आपका ओवुलेशन होता है। अब ऐसे में दोस्तों पहले दिन अगर आपको महावारी हुई, पीरियड्स आए, तो ऐसे में अगर 5 दिन आपको पीरियड आते हैं तो उसके जस्ट 2 दिन बाद आपका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। और जैसा कि मैंने आपको कई बार अपनी वीडियोस में ये भी बताया है कि जब महिला पुरुष संबंध बनाते हैं तो मेल का जो स्पर्म होता है वो महिला के भीतर 5 दिनों तक जीवित रहता है। तो ऐसे में पीरियड के समाप्ति यानी कि 5वें दिन अगर आप संबंध बनाती हैं तो आपके गर्भ में जो स्पर्म होता है वो लगातार जीवित रहता है आने वाले 5 दिनों तक। तो जैसे कि 7वें दिन आपका ओवुलेशन हो जाएगा तो इस दौरान चांसेस हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका जो एग है वो स्पर्म से मीट कर ले और ऐसे में आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। और जिन महिलाओं को लंबे पीरियड होते हैं, यानी कि 5 दिन ना होके 6-7-8 दिन तक पीरियड चलते हैं, तो पीरियड के दौरान ही उनका ओवुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे में जिन महिलाओं को पीरियड भी ज्यादा आते हैं और उनका मासिक चक्र 20 से लेके 21 दिन का होता है, तो ऐसी महिलाएं पीरियड्स के दौरान ही प्रेग्नेंट हो सकती हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं का मासिक चक्र अधिक होता है, यानी कि 30 दिन से ज्यादा होता है, 35 दिन का होता है या फिर 40 दिन का हो जाता है, तो ऐसे में बहुत कम चांसेस होते हैं, या यूं कहें कि ना के बराबर चांसेस होते हैं अगर आप पीरियड के दौरान संबंध बनाते हैं। तो शॉर्ट में आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर आपका मासिक चक्र कम दिनों का है तो पीरियड के दौरान भी हो सकता है कि आप अगर संबंध बनाए तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। आपको मेरा पर्सनल सजेशन है दोस्तों कि आप पीरियड के दौरान संबंध ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि एक तो हाइजीन का बहुत ज्यादा इश्यू रहता है, ये इस दौरान काफी ज्यादा अनहाइजीनिक हो जाता है, और दूसरी बात इस दौरान आपके गर्भ में इन्फेक्शन होने का खतरा बन जाता है, आपको इन्फेक्शन हो सकता है और आपसे आपके पार्टनर को भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस दौरान अगर आप इंटीमेट ना हो तो बेहतर है अपने पीरियड समाप्त होने का वेट करिए और इसके बाद ही आप संबंध बनाइए। सो ये था वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।